अनेक थर आम अनेक अभिनेता नेता बनिबार देखी किंतु एमती बहुत कम देखा मिले जो देखिए जे नेता अभिनेता बनी तेरे एमती गोटे जो सिनेमा माध्यम सामनाकु आसी एमती जड़े टाणुआ नेता आम कहीपर ओडिशार जड़े टाणुआ नेता प्रसन्न आचार्य कैबिनेट मंत्री पाया हो राज्यसभा सांसद होनेक समय आम देखीचे अनेक पदपदवी से रही कि बर्तमान तुम बड़मा सिनेमार देखा मिले तेरे आउ गोटे जिनस गुरुत्वपूर्ण कथा कि प्रसन्न आचार्य निजे निज भूमिकार अभिनय करता जो चरित्र रही सी से चरित्र अभिनय करदी आम यहाँटीर पृष्ठभूमि देखा तेल सिनेमाटी रही स्वाधीनता संग्रामी स्वर्गत पार्वती गिरी जीवनी को लेकिन यहाँ प्रस्तुत होनेमार ना रही बड़मा ए प्रसन्न आचार्य अभिनय करत्कालीन ओडिशार मुख्यमंत्री स्वर्गत विजु पट्टनायक स्वाधीनता संग्रामी स्वर्गत पार्वती गिरी और कैबिनेट मंत्री प्रसन्न आचार्य मध्य किसी आलोचनार एक दृश्य जहाँ सुटिंग होती सुटिंग समय देखा मिली प्रसन्न आचार्य निजे ही भूमिकार अभिनय कर सिनेमार सुटिंग जारी रही सिनेमार ना रही बड़मा कि गोटे आश्चर्य कथ हो जी आप देखिए प्रसन्न आचार्य को गोटे नुआ रूप से देखा मिली सेत बेले से केमी देखा जाते से गोटे गेटअप दि जाइली रूप से सजा जा तो आपण अचानक देखिले जापर ना चिन्ही पारे ना प्रसन्न आचार्य को तो निज चरित्र निजे अभिनय करवा गोटे बहुत बड़ कथा आम कहीपर कि बड़ माँ गोटे सिनेमा स्वाधीनता संग्रामी को लेकिन होती पार्वती गिरी को लेकिन होती तेरे एसबू भितर जदि आम देखा सिनेमाटी गोटे नुआ रूप से आम प्रसन्न आचार्य को देखा पाइबू राजनैतिक मैदान में बेस्ट टाणुआ नेता से एवं अनेक वर्ष धरी राजनैतिक करियर किंतु वर्तमान समय सिनेमारे किंतु से नुआ करी पाद थापुछंती तो नेता जेतेबेले अभिनेता हुवंती केमिति थाए सही अनुभूति केमिति लागे केते कष्ट करो राजनीति करिबा कष्ट ना अभिनय करिबा कष्ट तो एमती तमाम प्रश्न आपण को मनरे आसुथवा आम मनरे भी आसुछि कारण जेतेबेले आमे गोटे एभली दक्ष टाणुआ नेता देखुचे परवर्ती समय सिनेमा परदार देखुचे से केमिति अभिनय करछंती जिते राजनैतिक करियर रही अनेक काम रही से समय काढ़ी जो भाई भाव में सिनेमारे अभिनय करो कि वर्तमान नुआ सिनेमा नुआ अवतार को लेकिन प्रसन्न आचार्य गोटे चर्चा वर्तमान समय देखा मिली तो जो चित्र आपण रही हूँ बड़मा सिनेमार गोटे सीन रही तो सेतबलर जी मुख्यमंत्री रही थे विजु पट्टनायक एवं स्वाधीनता संग्रामी पार्वती गिरी एवं प्रसन्न आचार्य तीन जनों मध्य किसी आलोचना हो कथबार्ता से होती सीन को शूट करा बा शूटिंग चलती आई शूटिंग समय दृश्य सामना को आपण अचानक प्रसन्न आचार्य को देखले चिन्ही पारे ना कि कथा कि अनेक समय आम जमी कहूलु अभिनेता नेता होती किंतु नेता अभिनेता हवा केते कष्टकर केते कष्ट करबाकु पड़े जे नेता हवा भलो ना अभिनेता हवा भलो एमती तमाम प्रश्न आम मन रही तेरे आम सहित जोड़ी होती वरिष्ठ नेता जी रही बीजेडी प्रसन्न आचार्य रही सहित अधिक आलोचना करवा श्रीजुक्त आचार्य स्वागत करछु आम कार्यक्रम को कनक न्यूज को किंतु गोटे कथा हो जड़े राजनेता हिसाब से आपंकर अनेक सुख्याति रही आपड़ बेस दक्ष रही किंतु प्रथम करे आमे आपन को गोटे अभिनेता हिसाब रे देखिबु हाँ निश्चित भाव अभिनेता तो प्रथम देखी चाहिए मुझे जो छात्र थी मुझे कॉलेज रे पाठ पढ़ी बहुत मंच नाटक रे मुझे अभिनय करी मोर बहुत शौक थी से हरिहर मिश्र बोली जो नाट्य निर्देशक थे से मत बहुत बहुत प्रोत्साहित करते अनेक मंच नाटक कॉलेज जीवन में अभिनय करी विभिन्न जगार परवर्त काल राजनीतिक जीवन जो आरंभ है राजनीतिक व्यस्तता घड़ा भितर मुझे दिग्वर मुझे दूरे जाती आज ये बयस जिते पुणी गोटे सुजोग मत मिलला मत बहुत खुशी लगला भय तो लगुला किंतु बहुत खुशी भी लगला विशेषकर जो चित्र अभिनय कर एक मिलला सी हूँ गोटे महान किंतु गोटे कथा कि निज भूमिका रे आपण निजे अभिनय करछदी एवं आउ गोटे प्रश्न भी सेटा मो मन नुह दर्शक मन रे भी आसुथबो जे राजनेता हेबा भलो ना अभिनेता कोटा सहज मु तो भाव समग्र विश्व एक रंगमंच समग्र जीवन एक अभिनय बोली
ତେଣୁ କିଏ କେତେବେଳେ କୋଉ ଅବସରରେ କୋଉ କୋଉ ମଞ୍ଚରେ କୋଉ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ତେଣୁ ରାଜନୀତି ଏକ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଅଭିନୟ ଏକ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ବି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଠି ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଥିବ, ମନ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଥିବ, ସେଥିରେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହିଁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବେ। କଲେଜ ଟାଇମରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଫ୍ରାମା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେଲା କି ଅଭିନୟ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଭୂମିକାରେ ନିଜେ ଅଭିନୟ କରିବା? ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଯେ ନିଜ ଭୂମିକାରେ, ଯେତେ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ବରଗଡ଼ରେ, ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ନେତା ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଅତି ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସେ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବରଗଡ଼ରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ବିଜୁବାବୁ ଆସୁଥିଲେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଇଥିଲା, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ଯୋଉଠି ସେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇ କାହାଣୀ ବା ସେଇ ସିନ୍ଟି ରହିଛି ସିନେମା ବଡ଼ ମାଆରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ରାଜନେତା ହିସାବରେ ଦେଖୁଛୁ, ଏବେ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସମୟର ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଭାବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।